नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मैं अक्षय शुक्ला, आप हैं टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अपने आधार कार्ड में कोई भी आप अपडेट करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस, जेंडर कुछ भी उसमें गलत हो गया है, उसे अब आप बदलना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव जो है अपडेट करके, आधार कार्ड करेक्शन करके यानी सुधार करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव आधार कार्ड में अपडेट करेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लीजिए, लाइक करें थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो में जाता है, प्लीज लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको इस वेबसाइट पे सिंपली आ जाना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा, ये पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे लॉगिन का बटन है, सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पर करते ही यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछेगा, इंटर आधार, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना होगा। आधार नंबर यहाँ डालेंगे, उसके बाद नीचे ये कैप्चा जो लिखा है सेम कैप्चा नीचे इंटर कैप्चा में यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। ये कैप्चा अगर समझ में ना आए तो रिफ्रेश भी किया जा सकता है, इसे रिफ्रेश करके जैसा यहाँ पे लिखा है सेम ऐसा डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ नीचे डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज, तो यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज आएगा, ऊपर वाला यहाँ अपडेट आधार ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट आधार ऑनलाइन करते ही दूसरा पेज आता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे बता रहा है कि कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार, प्रोसीड टू अपडेट आधार नीचे बटन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आएगा, अब इसमें आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं, जैसे यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड में गलत है उसके ऊपर सिंपली टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर टिक कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ हमारा आधार कार्ड में गलत है, वो हम सुधार करना चाहते हैं। अगर नाम आपका गलत है तो नाम पर भी टिक कर देंगे, और डेट ऑफ बर्थ नाम दोनों गलत है तो दोनों पर टिक कर देंगे, जेंडर गलत है तो उस पर टिक कर देंगे, एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस पर भी टिक कर देंगे। जो भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली टिक करेंगे। हमारा सिंपली सिर्फ जो है डेट ऑफ बर्थ करना चाहता हूं, तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने टिक किया हुआ है। अब प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे और दूसरा पेज आता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ कह रहा है करंट डिटेल आपकी ये है, मतलब जो करंट डेट ऑफ बर्थ हमारा ऊपर दिखा रहा है। अब क्या कर रहा है कि नया डेट ऑफ बर्थ जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करिए कैलेंडर से। तो नया डेट ऑफ बर्थ मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो अपना सही वाला डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट कर लिया हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है जो अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे जो देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे और व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सिलेक्ट करते हैं ऊपर, जैसे मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो पैन कार्ड की यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपने फ़ोन गैलरी से जो है या कंप्यूटर लैपटॉप गैलरी से फ़ोटो को अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स का जो फ़ोटो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ गैलरी सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपलोड करता हूँ, पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो मेरे अंत तक जरूर देखिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर JPEG या PNG सपोर्ट करता है, हम यहाँ पर कोई एप्लीकेशन से जो है डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर लेंगे, मतलब JPEG या PNG में सेव कर लेंगे। मेरे पास कैनवा है, यहाँ से कैनवा से मैंने इसको दोबारा से सेव कर लेता हूँ JPEG में या PNG में या PDF में, ठीक है, डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए कैनवा से कर सकते हैं या कोई बहुत सारे एप्लीकेशन है, किसी से भी फोटो को JPEG, PNG या PDF में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आप दोबारा उसे अपलोड करेंगे अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो, ठीक है। हमारा ये जो है सेव कर लिया, अब हम दोबारा अपलोड कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पर दोबारा व्यू डिटेल एंड अपलोड, उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड, और यहाँ से हम गैलरी से अपना सिलेक्ट करते हैं इमेज
और यहाँ देखिए ये 100% जो है ग्रीन लाइन हो चुकी है, 100% अपलोड हो चुका है। अब सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करते ही कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है चेंज जो कर रहे हैं वो एक ही बार कर सकते हैं, आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, तो हमारा ये कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे दूसरा पेज आता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अब यहाँ टिक करना होगा, ये अलाउ करना होगा, यहाँ पे जो टिक करने हैं दोनों पे, यहाँ पे मैं अलाउ करता हूँ, इसे टिक करता हूँ और इसे पे आई हेयर बाय कन्फर्म यहाँ टिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही कुछ इस तरह से आता है पेज, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ भी टिक करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट्स करना होगा, तो जो अपडेट का पेमेंट है 50 रुपये इसका चार्ज होता है, ये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करेंगे। मैं फ़ोन पे से करना चाहता हूँ, फ़ोन पे सिलेक्ट करता हूँ और फ़ोन पे का जो नंबर है वो डालता हूँ यहाँ, वेरीफाई करता हूँ, नाम हमारा आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं नाम आ चुका, प्रोसीड कर देता हूँ और हमारे फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया जाएगा 50 रुपये का पेमेंट का UIDAI की तरफ से, और उसे हम यहाँ पे कर देंगे। इस पेज को बैक नहीं करना है, पेमेंट होते ही ऑटोमेटिक ये बैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ लिख चुका है, देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, कंग्रेचुलेशन योर ट्रांजेक्शन हैज सक्सेडेड। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन जो है हो चुका है, लेकिन बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक बैक करेगा, इसमें 30 सेकंड तक लग सकता है, तो बैक नहीं करना है, अपने आप ही बैक कर देगा। देखिए बैक कर दिया, यहाँ पे पेमेंट होते ही ये अपना कर देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपना स्लिप जो है पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो है अपडेट के लिए रिक्वेस्ट चला गया है UIDAI की तरफ। यहाँ देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे मिल चुका है, SRN नंबर जो है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल चुका है। इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप स्टेटस इसका देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो आपने करेक्शन या अपडेट के लिए दिया था, मतलब अप्लाई किया था, वो हुआ या नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ, ठीक है। ये 5 से 10 दिन के अंदर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप अपडेट करने के लिए ऑनलाइन करते हैं वो 5 से 10 दिन के, चाहे वो नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या एड्रेस हो, 5 से 10 दिन में अपडेट हो जाएगा। स्टेटस देखने के लिए SRN नंबर से स्टेटस देख सकते हैं, इसको प्रिंट करना चाहें इसको तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आधार कार्ड में कोई भी चीज़ करेक्शन, मतलब उसे अपडेट या सुधार कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपका कोई सवाल सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।